हेलो, आज हम इस वीडियो में ग्रीन स्मोकी आइज करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। पर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। मैंने अपने फेस को पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया है और लिप्स को भी। और यहाँ पे मैंने पर्पल ब्रांड का प्राइमर लिया है जो अपने टी जोन पर लगाने जा रही हूँ। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, उसके साथ साथ आपके मेकअप को एक स्मूथ बेस भी देता है। और यहाँ पे मैंने NYX कांट स्टॉप वोंट स्टॉप कंसीलर लिया है जो मैं अपनी अंडर आईज एरिया के नीचे लगाऊंगी, नाक पे, साइड्स पे, मुंह के जहाँ पे मुझे लगता है थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं मेरे फेस पे। और मैं यहाँ अपने हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, ब्यूटी स्पॉन्ज से भी लगा सकते हैं, पर ये हाथ से बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। और यहाँ पे मैं लैक्मे एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल रेडियंस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने नेक पे लगा रही हूँ थोड़ा सा, और फिर मैंने मेरे हाथ के बैक पे थोड़ा सा लिया है और अपने फेस पे डॉट्स की फॉर्म में लगा रही हूँ। फाउंडेशन हमेशा मुंह के सेंटर पे लगाइए और सेंटर से बालों की तरफ ब्लेंड करिए, जिससे वो बालों की तरफ एक्युमुलेट नहीं होगा ज़्यादा। और अंडर आई एरिया पे और जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है वहाँ पे स्वाइपिंग मोशन में उसको मत लगाइए, हमेशा स्ट्रिपलिंग, पैटिंग या बफिंग मोशन में ब्रश से फाउंडेशन लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी नेक पे ब्लेंड कर रही हूँ और अपने कान पे भी थोड़ा सा लगाएंगे, जिससे वो हमारे फेस से अलग ना दिखे। और हमारा फाउंडेशन लग गया है। मैंने यहाँ पे लैक्मे लूज पाउडर इन द शेड रोज़ यूज़ किया है, ब्रश की मदद से थोड़ा सा लगा रही हूँ। बस कंसीलर और फाउंडेशन को हल्का सा सेट कर रही हूँ, बेक नहीं किया है। और यहाँ पे मैं मेकअप रिवोल्यूशन पैलेट से ये ब्लैक कलर ले रही हूँ, जिसे मैं अपनी आईब्रोज़ फिल करूँगी। मैं स्पूली से अपने आईब्रोज़ को नीचे की तरफ कोम कर रही हूँ और एंगल ब्रश से थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे फिल कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक या ब्राउन, पर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए वरना वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है, स्पेशली अगर आपकी आईब्रोज़ अच्छी हैं तो। अगर आपकी आईब्रोज हल्की हैं तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं पैक स्पॉटलाइट कंसीलर ले रही हूँ, अपने आईलिड्स के ऊपर लगा रही हूँ, इससे जो मैं आई शेडो लगाऊँगी उसके लिए एक बेस का काम करेगा। और यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कंसीलर हो आपकी ब्रिज ऑफ नोज़ पे, आपके फोरहेड पे, आपके चिन पे लगा सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लगा रही हूँ। ये एक हाईलाइटिंग शेड है। और यहाँ पे मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट लिया है स्पंज की हेल्प से, और मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे शैम्बोर का इंटेंस डेफिनेशन जेल आईलाइनर पेंसिल लिया है शेड 08, थोड़ा सा बीज क्रीम सॉर्ट ऑफ शेड है। इसको मैं अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ और ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये हमारे आई शेडो के लिए एक बेस का काम करेगा। और इसी तरीके से हम मैंने दूसरी तरफ भी लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लैक्मे आइकॉनिक टर्कवाइज काजल लिया है जो मैं अपनी आईलिड्स पे लगाऊंगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ग्रीन कलर, कोई भी आई शेडो यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वही कॉम्बिनेशन ले जो मैंने यूज़ किया है। और मैंने यहाँ पे दो तीन कलर्स यूज़ किए हैं जिससे कि एक कलर सैचुरेशन मिलता है आईलिड्स पे। और यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ जिससे यहाँ पे कोई गैप ना दिखे और इवनली आईलिड पे स्प्रेड हो जाए। और यहाँ पे मैंने शैम्बोर पीकॉक ब्लू कलर का आईलाइनर लिया है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने इंग्लिश चैनल पे शैम्बोर रिव्यू वीडियो में कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा कलर है और ये शैम्बोर के आईलाइनर बहुत ईजिली ग्लाइड करते हैं बहुत। यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से इसको स्प्रेड कर रही हूँ, इसमें बीच में स्पेसेस ना दिखें और एजेस के लिए परेशान ना हो। अब मैं वहाँ पे आई शेडो लगाऊंगी और आईलिड पे इसको अच्छे से स्प्रेड करें। और ये मैं स्विस ब्यूटी पैलेट से ये डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ और मैं अपने एजेस पे, क्रीज पे स्पेशली इसको लगाऊंगी। फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करिए वहाँ पे। और मैं यहाँ क्यू टिप से क्लीन कर रही हूँ।
क्यू टिप हमेशा हैंडी रखिए आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का आई शेडो अपने हुड पे एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी आईज हुडेड हैं। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट से डार्क ब्राउन कलर लिया है जो मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी और थोड़ा सा मेरे हुड पे भी एक्सटेंड करूंगी। क्लीन फ्लफी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करिए, कोई हार्श एजेस नहीं दिखने चाहिए। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर फ्लॉलेस मेकअप। और हुडेड आइज़ के लिए हमेशा आपको हुड पे थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए क्योंकि जब आप आँखें खोलें तो आई शेडो दिखना चाहिए। और ऐसे ही मैंने दूसरी आँख पे भी लगा लिया है। और मैं ये मूव ब्यूटी पैलेट से गोल्डन कलर ले रही हूँ और मैं अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पैक स्पॉटलाइट कंसीलर लिया है और मैं हाइलाइटिंग शेड स्किन से मैं अपना अंडर आई एरिया हाईलाइट कर रही हूँ। और मैं अपने एप्पल्स ऑफ चीक पे यहाँ पे ब्लश नहीं लगाऊंगी इस ट्यूटोरियल में, इसलिए मैं इस तरह से ये कंसीलर लगा रही हूँ। आपके फोरहेड पे लगाइए और अपने आंखों के नीचे अंडर आई एरियाज पे, थोड़ा सा आप नाक पे और चिन पे भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आप चाहें तो मेरा पैक एंड निक्स कंसीलर रिव्यू वाला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लिया है और मैं अपना कंसीलर सेट कर रही हूँ वहाँ वहाँ लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है, जिससे वो क्रीज नहीं हो। और जो थोड़ा बहुत कंसीलर मेरी फिंगर से बचा है उससे मैं अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे स्टे क्वेरकी का जेल आईलाइनर लिया है जो मैंने अपनी अपर वाटर लाइन पे या लैश लाइन पे लगा रही हूँ। इसको मैं आईलाइनर की तरह नहीं लगाऊंगी, आप चाहें तो ग्रीन आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक मैंने इसलिए लिया है जिससे मेरी वो लैश लाइन को या वाटर लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस लुक देगा। और इसी तरह की मैं अपनी लोअर लैश लाइन या वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी लगा सकते हो और मैंने दूसरी तरफ लगा लिया है। और अब मैं पिकॉक ब्लू आईलाइनर लेके नीचे वाली आईलिड्स पे लगाऊंगी, नीचे वाली आईलैशेस के पास लगाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं ब्रश लेके थोड़ा छोटा फ्लैट ब्रश लेके इसको स्मज कर रही हूँ, स्मूथ कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इसी तरीके से आप दूसरे आँख पे भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। अब हम मस्कारा लगाएंगे। मैंने यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का मस्कारा लिया है। जब भी आप मस्कारा लगाएं अपने लोअर आईलिड्स लैशेस को कभी ना भूलें। और यहाँ पे हमने दोनों आईज पे मस्कारा लगा लिया है, आप देख सकते हैं हमारा आई मेकअप लगभग हो गया है। और मैंने यहाँ पे फॉल्स आई लैशेस भी लगा ली हैं। और फिर मैं यहाँ पे कर्ल करने जा रही हूँ जिससे दोनों आई लैशेस एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएँ, अलग अलग ना दिखें। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मस्कारा फिर से लगाऊंगी जिससे दोनों लैशेस को एक लिफ्टेड लुक मिले साइड से, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा लगाना है। और फिर मैं यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन पैलेट से नोज़ कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। मेरी नाक बीच से थोड़ी फ्लैट है इसलिए मैं इस तरह से कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। अपने फीचर्स को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए कहाँ पे क्या इम्प्रूव करना है, तो आप उस हिसाब से आप अपनी कोई भी फेस कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। थोड़ा मैं लिप्स के नीचे लगा रही हूँ इससे मेरी लिप्स को थोड़ी सी डेप्थ मिलेगी। और मैं यहाँ पे चीक कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। जब भी आप कॉन्टूर करें अपनी हेयर लाइन से ज़रूर ब्लेंड करें, नहीं तो फिर वो अलग से दिखने लगता है। यहाँ पे मैं फाउंडेशन फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से लगा रही हूँ, पर यहाँ पे मैं जो ब्लेंड कर रही हूँ वो पाउडर ब्रश से राउंड एंड राउंड मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएं, फोरहेड की तरफ ले जाएं, ये आपके फेस को एक लिफ्टेड लुक देगा। यहाँ पे मैं अपने फोरहेड को कंटूर कर रही हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड ब्रॉड है। यहाँ पे मैं जॉ कंटूरिंग कर रही हूँ, चिन को कंटूर कर रही हूँ, यह आपके फेस के शेप को एकदम से चेंज कर देता है।
और मैंने यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का सैलमन सुपर स्टार द कलर पीच ये ब्लश में यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर ऑफ आईज़ को हाईलाइट कर रही हूँ उसी मेकअप रिवॉल्यूशन पैलेट में जो हाईलाइटर था उसी हाईलाइटर से। ब्रिज ऑफ नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा चिन पे लगाएंगे, थोड़ा सा क्यूपिड्स बो पे भी लगाएंगे। और यहाँ पे मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से हाईलाइटर लगा रही हूँ फोरहेड में, थोड़ा डिफ्यूज़ लुक देता है और अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि लाइट पड़ रही है और आपका फेस ग्लो कर रहा है। यहाँ पे मैंने चीक पे हाईलाइटर लगा रही हूँ और मैं यहाँ पे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, कभी कभी फिंगर ज़्यादा अच्छे काम करती हूँ। और मैंने यहाँ पे ब्रैंडी वाइन वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर लिया है और अपनी लिप्स को लाइन कर रही हूँ। मेरा ऊपर का लिप थोड़ा पतला है लेकिन मेरी लिप लाइन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए मैं जब भी फाउंडेशन लगा के उसे जैसे भी चाहूँ कोई भी शेप लिप्स को दे सकती हूँ आसानी से। और यहाँ पे मैंने पर्पल का ही लिप क्रियॉन यूज़ किए और अपनी लिप्स को फिल करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का रियॉन रोज़ शेड यूज़ किया है, ये थोड़ा अच्छा सा पिंक कलर है, पीची पिंक कलर आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ मिडल में लगाऊंगी लिप्स में सेंटर में। और ये मेरा रेडी लुक है गाइस, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।